हुजूर के गुलामों ने जो ये सफे बनाई हुई है और जो ये मंजर हमारी आंखों में पूरा ही नहीं आ रहा, इसके बारे में इकबाल कहता है ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है शौके खुदाई। दोनीम इनकी ठोकर से सहारा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेदार दिल को अगर चीज है लज्जत आशनाई। बस ये सफे बता रही है कि ऐसे ही सफे हो और सीधी हो इसराइल की तरफ, और ये वही वक्त है जो इमाम अली मकाम की शहादत का वक्त है। मैंने आपको सफों में इसलिए खड़ा किया है कि हमने दोनों हाथों से सलाम पेश करना है कि सदियों बाद आपके नाना जी के गुलाम आपके रास्ते पर खड़े हैं, कहीं और दाएं बाएं नहीं हुए, खड़े हैं कि नहीं भाई खड़े, बेशक हम हुसैनी रास्ते पर खड़े हैं कि नहीं खड़े, बेशक हम इमाम अली मकाम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए आए हैं कि नहीं आए, बेशक हम उन मजलूमों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए आए हैं कि नहीं आए, आए हम जालिम का पंजा तोड़ने के लिए आए या नहीं आए, आए ऐसे हाथ सारे बुलंद करें, सारे सारे अब्बा से लेकर आखिर तक, अब्बा से मैं नारा लगाकर चुप कर जाऊंगा और आपने बोलना है लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। ना 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 ना, इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, आवाज आए ये तो जनाब सरजस्ताए तक आवाज आए और यहाँ से उन जनाब वो बदमाशों के घरों तक जाए जिनको गलत फहमी है कि जनाब ये कोई जनाब दाएं बाएं वाले हैं, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम आए हैं और आपकी आवाज से खून टपके खून, लब्बैक या हुसैन। और हम सारे क्या हैं? हुजूर के गुलाम हैं।
मैंने दाएं बाएं की आवाजें सुनी है, कोई कहता है इधर उधर उधर। हुजूर के जमाने में भी सहाबा के दरमियान कोई बात हुई तो अंसार ने अंसार को पुकारा, मुहाजरीन ने मुहाजरीन को पुकारा। हुजूर ने फरमाया ये गंदी आवाजें मैं कहां से सुन रहा हूँ, ये गंदी हमारा कोई मकसद नहीं, असी सारे कुत्ते पाक रसूल ला दे। बेशक इत्थे लाहौर वाला होवे, पिंडी वाला होवे, पिशौर वाला होवे, आबादाबाद वाला होवे, कोई भी होवे, कराची तो खैबर तक, बल्कि स्पीन के साहिल तो ताबहा के काफशर, साडा इक्को ही तारीफ है कि असी सारे कुत्ते पाक रसूल ला दे। छेड़ो अब